हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि पिछले 50 वर्षों में हिमाचल में ये सबसे बड़ी त्रासदी है और अनुमानित 12,000 करोड़ का नुकसान पहले ही हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि ऐसी आपदा में भी देश के बड़े बड़े उद्योगपति, जिनमें की मुख्यतः अदानी, अंबानी, टाटा समूह, पतंजलि उद्योग ने किसी भी प्रकार की आपदा में सहायता नहीं की। उन्होंने कहा कि क्या देवभूमि भारत का हिस्सा नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों की भी तारीफ की है। हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, जबकि हर तरफ से हिमाचल प्रदेश का एक एक व्यक्ति जो कि इस त्रासदी से स्तब्ध है, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो राहत प्रदान करने में देरी कर रही है। इसका कारण आज तक नहीं पता चल सका, जो कि एक हिमाचल के एक एक व्यक्ति के लिए पहेली बना हुआ है। मेरा ये पूछना है, देश के उन बड़े बड़े उद्योगपतियों से जो कि हिमाचल को एक पर्यटक स्थल मानते हैं और हिमाचल की सुंदरता और खूबसूरती की तारीफ करते हैं, लेकिन अब इस अवस्था में, इस स्थिति में किसी भी उद्योगपति ने ये जरूरत नहीं की कि इस त्रासदी में हिमाचल प्रदेश देवभूमि की हम मदद करें। आर्थिक दृष्टि से जो मदद है उससे ही हिमाचल प्रदेश का जो सौहार्दपूर्ण, जो पुराना सुंदरता है, सौंदर्य है, वो वापस आ सकता है। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी और यहाँ के हमारे 3 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, जिनको जनादेश देकर लोगों ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा ताकि वो हमारे हितों की रक्षा करें, लेकिन वो हितों की रक्षा करने की बजाय उस सांत्वना देने में भी लोग जो प्रभावित हैं, जिनके परिवार बिछड़ गए, जिनके निजी मकान, जिनकी फैक्ट्रियां, जिनके होटल इंडस्ट्री में नुकसान हुआ, उनको आज तक किसी भी प्रकार की राहत प्रदान करने में केंद्र सरकार जो है असफल रही है। हिमाचल प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी व उनकी टीम, जिन्होंने निरंतर आज तक लोगों के घरों में जाकर उनको सांत्वना देकर उनका मनोबल बढ़ाया है और उनके राहत शिविरों में जाकर उनको राहत प्रदान की है, यही एक अच्छे नायक और जननायक की निशानी होती है, जिसको हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बखूबी निभाया।